तो फिजिक्स रो आउ गोटे टॉपिक आरंभ करिबा विद्युत बा इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत विषय टी बहुत इम्पोर्टेंट विषय आ मैक्सिमम पिला विद्युत विषय को फिजिक्स रो सबुठारु इंटरेस्टिंग टॉपिक बोली भावंती आउ से माने ठीक भावंती काहेकि ना विद्युत होउची एमिति गोटे जिंस जहाँ को आम आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करूँ। जदि विद्युत न था तेल मुझे वीडियो भी तैयारी करि पारि न था आउ तुमने मो वीडियो को देखि पारु न था से विद्युत बहुत इम्पोर्टेंट जिनस। विद्युत विषय में पढ़ा पिला बेलू ही आम मन में विद्युत विषय जानापी आग्रह थाए प्रत्येक पिलार मुझे जाणी कहीं जिते बड़े पिला थी मुझे तो इलेक्ट्रिक सकेट भितर ही हाथ पुरे दी इलेक्ट्रिक सकेट जाच तो जोटि प्लग पुरा जाए ताकि हाथ पुरे दी आउ सक खाई ये कणा हो जाइए हाथ में तुम मानक मधुर कहीं जदि इलेक्ट्रिक करेन्ट खाइब इलेक्ट्रिक सक खाइब तेल मतलब कमेंट बक्स में लिखिकी जनाओ आउ केमती लगला भी कह नर्क देखी जना नर्क को बुली आसे जमी लगे सेमती ही लगे तुमको इलेक्ट्रिक करेन्ट जब तुम्हें खाइब एम चुटी छिड़ा हो जाए उपर हाथ तो कणा हो जाता से जगह बहुत दिन पर्यंत कष्ट तो देखा इलेक्ट्रिसिटी कौन बा विद्युत कौन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्री ये आसी इलेक्ट्रॉन शब्दर इलेक्ट्रॉन सिटी माने हेउची सहर तो इलेक्ट्रॉन रो सहर भितर को पसिबा आमे इलेक्ट्रॉन तुम्हें जानिच इलेक्ट्रॉन हेउची एक अब परमाणु कणिका बा सब एटॉमिक पार्टिकल अब परमाणु कणिका तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ीच क्लास 9 रे एटॉमिक स्ट्रक्चर माने परमाणु रो गठन रे तुम्हें पढ़ीथिबो आमे परमाणु भितर को जदि पसिबा ताहाले केन्द्र रे अछि न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितर अछि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रे अच्छी पॉजिटिव चार्ज आउ न्यूट्रॉन रे अच्छी कौन सी भी चार्ज नहीं न्यूट्रॉन हूँ चार्ज विहीन कणिका देख ये न्यूक्लियस अच्छी न्यूक्लियस को केन्द्र करके कक्षपथ गुड़िक इलेक्ट्रॉन गुड़िक बुलू था जमीक एटी गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी एटी गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी एटी गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी बुझेगा यहपरी भाव में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बुलू था तो एम गतिशील किए यू अब परमाणु कणिका मानक गतिशील किए प्रोटॉन न्यूट्रॉन आउ इलेक्ट्रॉन मध्य गतिशील किए बिल्कुल ठीक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रही गति अच्छी प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन तो ये तुम न्यूक्लियस भितर बस चाहिए गति करूना से बाहर को आसीपारे ना केवल इलेक्ट्रॉन ही गति कर बुझीगला बेले बेले कौन हुए ना इलेक्ट्रॉन ये कक्षपथर विच्छिन्न हो जाए बाहर को पलाई जाए ताए फ्री इलेक्ट्रॉन बा मुक्त इलेक्ट्रॉन जदि इलेक्ट्रॉन कक्षपथर विच्छिन्न हो गला बा मुक्त हो गला ताहाकु आमे कहिबा मुक्त इलेक्ट्रॉन बा फ्री इलेक्ट्रॉन एही फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़िक गति करती आ विद्युत प्रवाहित हुए मेटल्स मानक पाखरे फ्री इलेक्ट्रॉन थाए माने धातु गुड़िक पाखरे मुक्त इलेक्ट्रॉन थाए आ मुक्त इलेक्ट्रॉन गुड़िक गोटे जगह आउ गोटे जगह जदि जिबे ताहाले आमे कहिबा फ्लो ऑफ चार्ज हैला माने चार्ज रो प्रवाह हैला इलेक्ट्रॉन ने भी युक्तात्मक चार्ज थाए एक तुम जाच प्रोटॉन ने युक्तात्मक चार्ज न्यूट्रॉन ने कौन भी चार्ज नहीं तो ये विजुक्तात्मक चार्ज गुड़िक गोटे जगह आउ गोटे जगह जदि जिबे बहुत गुड़ा इलेक्ट्रॉन जदि प्रवाहित हम ताहले आमे कहिबा चार्ज रो प्रवाह हैला आउ चार्ज रो प्रवाह को ही विद्युत बा इलेक्ट्रिसिटी बोली कहा जाए बुझीगला विद्युत कौन इट्स नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज रो प्रवाह फ्लो ऑफ चार्ज माने चार्ज रो प्रवाह जदि आमे पानी ढाली दबा पानी रो स्रोत को कहा जल स्रोत बुझीगला पवन बहिले पवन स्रोत चार्ज बहिला जदि विद्युत स्रोत बुझीगला चलो ठीक अच्छे वर्तमान तुम मन में प्रश्न आसुथिबो ए चार्ज ये जिनसटा कौन चार्जटा कौन चार्ज को आमे कैपिटल क्यू अक्षर द्वारा डिनोट करिबा एमती चार्ज हेउची एटम रो गोटे गुण एटम माने परमाणु परमाणु रो गोटे गुण लिखिबा चार्ज परमाणु रो एक गुण चार्ज कौन से फिजिकल जिनस नुहे कौन से भौतिक जिनस नुहे जहाँ को तुम खाली आखिरी देखिपर कि छुई पार ये गोटे गुण जमीक धर जो तुम मधुर बहुत पिला थे इंटेलीजेंट बुद्धिमान बुद्धिमान हूँ तुम गोटे गुण कितु बुद्धिमान मुझ छुई पारि ना देखिपर केवल मु फिल करी जे तुम्हें हूँ बुद्धिमान से भाया चार्ज हो गोटे गुण परमाणु गोटे गुण परमाणु कहींपर ना मैटर कहींपर पदार्थर गोटे गुण कहींपर कहीं पदार्थ गुड़िक तो यही परमाणु को लेकिन तैयारी ना परमाणु गुड़िकर समि कौन पदार्थ बहुत सारा परमाणु आम देहर भी बहुत सारा परमाणु अच्छी आम भी परमाणु को लेकिन तैयारी प्रत्येक पदार्थ परमाणु को लेकिन तैयारी आ परमाणु अच्छी चार्ज बुझीगला तो
चार्ज होची परमाणु रे एक गुण ए जो परमाणु अछि ता भितरे बहुत गुडा अवपरमाणु कणिका अछंती आमे मुख्यतः तीनटा अवपरमाणु कणिका विषय रे जानिचु कोन कोन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आउ इलेक्ट्रॉन आहुरी भी बहुत सारा कणिका अछि किंतु तुमको पढा जीव नाही ऊपर क्लास रे पढिबो हला। चार्ज होची परमाणु रो एक गुण चार्ज केते प्रकार रो अछि मुख्यतः दुई प्रकार रो कोन कोन युक्तात्मक चार्ज विजुक्तात्मक चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लिखिबा चार्ज दुई प्रकार रो कोन कोन युक्तात्मक चार्ज बा आमे कहि परिबा पॉजिटिव चार्ज से भलिया विजुक्तात्मक चार्ज बा नेगेटिव चार्ज विजुक्तात्मक चार्ज बा नेगेटिव चार्ज तुम्हें जानिच समान चार्ज परस्पर को विकर्षण करिवे किंतु असमान चार्ज परस्पर को आकर्षण करिवे ये हूँ चार्ज रो गुण बा धर्म बुझीला ना जदि आम प्रोटोन आउ इलेक्ट्रॉन को पाख को नहीं आसवा ना तो आकर्षण करेंगे परस्पर को किंतु जदि दुटा इलेक्ट्रॉन को पाख को नहीं आसवा तो परस्पर ठार दूरे जीवे बुझीला तो एक आम लिखिनबा जे सम चार्ज परस्पर को विकर्षण करती विकर्षण करती किंतु असम चार्ज परस्पर को आकर्षण करती असम चार्ज परस्पर को आकर्षण करती ये हूँ चार्जर धर्म यार अर्थ हूँ जदि आम पॉजिटिव चार्ज आ पॉजिटिव चार्ज को पाख को नहीं आसवा तेल परस्पर ठार दूरे पलैबे जदि नेगेटिव चार्ज आउ नेगेटिव चार्ज को पाख को नहीं आसवा एमने परस्पर ठार दूरे पलैबे विकर्षण करेंगे रिपेल करेंगे से भाया देख जदि आम पॉजिटिव चार्ज आउ नेगेटिव चार्ज को पाख को नहीं आसवा एमने परस्पर आड़ को माड़ आसवे आकर्षण करेंगे बुझीला एम भाई जो बल रे कह आकर्षण बल एटि आकर्षण आसो जिते बड़े कि विकर्षण आसो युटा केस्रे बुझीला सम चार्ज परस्पर को विकर्षण करेंगे असम चार्ज परस्पर को आकर्षण करेंगे बिलकुल मनीष मान भाया ही जदि तुम्हें दुटा पुओ पा बाघर करदेव से गोटे रूम्रे रे दौड़ी पलैबे परस्पर ठार् बुझीला से भाला दुटा झील पिला जब आम बाघर करदे तो से परस्पर सहित रेन रही कौन लाभ मिले बुझीला ना तो से परस्पर ठार् दूरे पलैबे कितु जदि गोटे झील पिला गोटे पुओ पा बाघर करेंगे रे आउ से माने सब आग को वंशवृद्धि करेंगे बुझीला ना चलो ठीक अच्छे बिल्कुल आमर मनीष मान भाया ही सामान जिनस गुड़ा परस्पर को विकर्षण करके पलैबे असमान जिनसर परस्पर मध्य आकर्षण रे हूँ चार्जर गुण चार्ज को क्यों एकक द्वारा मापिबा चार्ज को मापिबा कुलम एकक द्वारा बुझीला तो चार्जर एसआई एकक होउची कुलम जमीक आम दूरता को किलोमीटर में मापुचु वस्तुत्व को केजी बा किलोग्राम एकक मापुचु ठीक से भाया चार्ज को आम मापिबा कुलम एकक द्वारा बुझीला लेख जे चार्जर एसआई एकक होउची कुलम कुलम को आम सी अक्षर द्वारा डिनोट करवा एमती किंतु कुलम बहुत बड़ एकक हो जाए से बेले बेले आम कुलम ठार् सान एकक भी व्यवहार करमती मिली कुलम आउ माइक्रो कुलम हला वन मिली कुलम इज इक्वल टू 10^-3 कुलम से भाया वन माइक्रो कुलम इज इक्वल टू 10^-6 कुलम हला मिली कुलम को आम एमती लिखिपर वन मिली कुलम स्मॉल एम कैपिटल सी इज इक्वल टू 10^-3 कुलम से भाया वन माइक्रो कुलम माइक्रो माने म्यू ये म्यू रिप्रेजेंट करुच्चे माइक्रो को तो वन माइक्रो कुलम इज इक्वल टू 10^-6 कुलम बुझीला तो चार्ज रो गुण बा धर्म विषय समस्त बुझीपारल कह कि असुविधा नहीं चलो बर्तमान आम टे आग को जी चार्ज रो कि धर्म विषय जाना जमीक क्वांटाइजेसन अफ चार्ज लिभेदेवि चार्ज रो गोटे बड़ गुण होउची क्वांटाइजेसन अफ चार्ज क्वांटाइजेसन अफ चार्ज कौन होता है बर्तमान बुझा आम क्वांटाइजेसन अफ चार्ज
देखो तुम्हें जानिचो गोटे इलेक्ट्रॉन रे केते चार्ज थाए, गोटे इलेक्ट्रॉन रे थाए 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ये कथा तुम्हें परमाणु गठन पढ़ला बेले पढ़ी आस क्लास नाइन रे हला। तो गोटे इलेक्ट्रॉन रे थिबा चार्ज रो परिमाण केते 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन रे भी सेम चार्ज थाए, प्रोटॉन रे भी 1.6×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज थाए, किंतु प्रोटॉन नो चार्ज को आमे पॉजिटिव नबा आउ इलेक्ट्रॉन नो चार्ज को आमे नेगेटिव नबा। तो एई जगह रे तुम्हें माइनस भी लिखि दे पारिबो, माने 1 इलेक्ट्रॉन रे थिबा चार्ज रो परिमाण हे जिवो −1.6×10⁻¹⁹ कूलम। बुझियाला ए माइनस केवल तुमको चार्ज सुचौछि, बुझियाला मैग्नीट्यूड दि जणकर समान रहिबो, माने प्रोटॉन रे थिबा चार्ज रो परिमाण आउ इलेक्ट्रॉन रे थिबा चार्ज रो परिमाण रो जो वैल्यू अछि सेटा समान रहिबो, किंतु पॉजिटिव आउ नेगेटिव चिन्ह कोन दर्शउछि ना चार्जटा को प्रकार रो चार्ज, युक्तात्मक चार्ज ना विजुक्तात्मक चार्ज। आमे जानिछु इलेक्ट्रॉन होछि विजुक्तात्मक चार्ज, सेतिपई आमे या अग्रु माइनस लगे दवा। किंतु जदि तुमको पचारिबो जे गोटे प्रोटॉन रे थिबा चार्ज रो परिमाण केते, तुम्हें कहिबो +1.6×10⁻¹⁹ कूलम। बुझियाला चलो ठीक अछि। वर्तमान गोटे इलेक्ट्रॉन रे अछि केते चार्ज ना 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, माइनस को तुम्हें नेग्लेक्ट कर दियो, केवल आमे मैग्नीट्यूड ही लिखिबा एटि। मैग्नीट्यूड माने कोन ना परिमाण, चार्ज रो परिमाण। तो दुईटी इलेक्ट्रॉन ने केते चार्ज आसीबो ना 16×32 त माने 3.2×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज आसीबो। तीन टी इलेक्ट्रॉन ने केते चार्ज आसीबो तुम्हें कहिबो 16×38 माने 4.8×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज आसीबो। चार टी इलेक्ट्रॉन ने केते चार्ज आसीबो ना 16×64 माने 6.4×10⁻¹⁹ कूलम। जणे कहिबो जे मते दरकार 5×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज, ये पॉसिबल की? ये चार्ज पॉसिबल की? बिल्कुल पॉसिबल नुहे, काहेकि ना केतरा इलेक्ट्रॉन आमे नबा, अधा खांडिया इलेक्ट्रॉन नहीं पारा कि नहीं हम ना, इलेक्ट्रॉन तो एक रे बहुत छोट, पुणी तुम्हें कहवा खांडिया करदे पॉसिबल नुहे। देखो जदि तुम्हें गोटे कदमी दुकान को जाइ तुमको बहुत भोक लगी, तुम्हें गोटे कदमी खाइल, तापर दुईटा कदमी खाइल, तापर कहल भोक तो लगुच कि गोटे कदमी आउ खाई मत अधा कदमी दरकार, दुईटा कदमी अलरेडी खाई सारे आउ बर्तमान तुम्हें कदमी दोकानी को कह मत अधा कदमी दि, कदमी दुकानी तुमको दब दब ना आउ अधा कदमी कौन से निजे खाइबना खाइबनी, कह आरे तू जदि नौचु आउ गोटे कदमी नहीं जा ना दुईटा कदमी नहीं जा ना तीन टा कदमी नहीं जा, किंतु अधा फाड़े एमती आम देपरिया ना आउ अधा आम कौन करवा, बुझीला ना से भाया कथा। ये जदि जड़े कह 5×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज दरकार, तो एति चार्ज आसीपर ना, बुझीला से भाया जदि आम एन टी इलेक्ट्रॉन को रखा तो एन टी इलेक्ट्रॉन ने केते चार्ज आसीबो, तुम्हें कह n×1.6×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज, बुझीला। तो ये n इंटु ई को आम कह q माने पूरा टोटल चार्ज, ये हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रो फॉर्मूला, q=ne। एठारे q कौन ही था है? एठारे q है था है चार्ज, टोटल चार्ज। आउ n कौन ना इलेक्ट्रॉन संख्या, केतोटी इलेक्ट्रॉन अच्छी इलेक्ट्रॉन संख्या। आउ e कौन ही था है? ना गोटे इलेक्ट्रॉन ने थिबा चार्ज रो परिमाण माने 1.6×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज, बुझीला ई हेउची गोटे इलेक्ट्रॉन रे थिबा चार्ज रो परिमाण, बुझीला। देखो वर्तमान एठी गोटे जगह अछि जो थरे कि पांचटी इलेक्ट्रॉन अछंती हला, तो एही जगह रे थिबा चार्ज रो परिमाण तमे बाहर करि परिबो, पांचटी इलेक्ट्रॉन अछंती टोटल, तो आमे बाहर कर दे परिबा q=ne फॉर्मूला पके कि, तो चार्ज बाहर n×e, n अछि 5, e हेउची 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, तो आमे पाइबा 16×5=80 माने 8.0×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज अछि एठी। तो एठी केते चार्ज अछि ना 8.0×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज,
8.0 लिखि पार ना खाली 8 भी लिखिदे पार 8 × 10⁻¹⁹ कुलम चार्ज अच्छी बुझीगला ना। देखो ये जो एन अच्छी ना ये हूँ इंटीजर माने पूर्ण संख्या सब बड़े मन रख एन सब बड़े हम पूर्ण संख्या एन बिलोंग्स टू जेड एन हूँ पूर्ण संख्या बुझीगला कहार कि असुविधा ना यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समस्त बुझीगल ये भी हूँ चार्ज रोटे गुण बर्तमान आम विद्युत विषय को आउ थे फेरी जावा जे चार्जर प्रवाह केमती हम चार्जर फ्लो केमती हम टे इतिहास जाणी विद्युत केमी कौन आविष्कार होता केमती कौन आग को गला तो विद्युत विषय पढ़ला बेले आम तीनो मुख्य वैज्ञानिकों ना पढ़वा कौन कौन से माने अच्छा प्रथम वैज्ञानिक होती बेंजामिन फ्रांकलीन यहाँ नाम तुम्हें शुणी गोटे बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट करते ये बेंजामिन फ्रांकलीन ये आसी पखापाखि 1752 मसीहा बेलू माने आज को पखापाखि 350 वर्ष हो गला बेंजामिन फ्रांकलीन आसते आए कौन कहले ये गोटे एक्सपेरिमेंट करते ये गोटे गुड़ी उड़े एमती गुड़ी जान तो कईट एमती आउ यही जगह से गोटे चाबी बात दे थिले ये उची चाबी काठी इंग्लिश पिला माने कोंती की आउ ये थिला गोटे सिल्क रो सिल्क माने बुझी पार छो तो रेशमर सूता रे से उड़ाउथिले आउ से केते बेले गुड़ी उड़ाउथिले ना जते बेले थंडरस्टोन होउथिला बिजुली घड़घड़ी मारुथिला आकाश रे सेते बेले से आकाश रे गुड़ी उड़ाउथिले आम भाया लोक जदि बिजुली घड़घड़ी मारे तो आम घर भितर पशिवा किंतु सी देख वैज्ञानिक थिले तेणु से गुड़ी उड़ाऊ से जगह बुझीगला बिजुली घड़घड़ी मारुला तूफान आसुला से ही समय रे गुड़ी उड़ाऊ एबे कौन हैला ना जो की अच्छी बा चाबी काठी अच्छी ये पृथ्वीर माध्याकर्षण बल प्रभाव सिल्क सूता दे कि तल को पलै आसला आउ हाथ में आसिक टच हो गला आउ बहुत जोर करेन्ट लगला आघात लगला बुझीगला से इलेक्ट्रिक शॉक फील कले से कहला अरे कि कौन लगला मते कौन बुझ बुझ कथा कौन है ना आकाश में जिते बड़े बिजुली घड़घड़ी मारुला से आकाश में बहुत सारा चार्ज बुलुले आई चार्ज गुड़िक प्रभाव में आसिकी ये धातव चबिकाठीटी अच्छी ना धातु चबिकाठी ये भी चार्जित हो जाता तेणु जिते बड़े सी आसिकी तले बेंजामिन फ्रांकलीन को हाथ में लगला ना से इलेक्ट्रिक शॉक लगला विद्युत आघात लगला तेणु बेंजामिन फ्रांकलीन कौ कौ फील्ड रे काम करते ना चार्ज चार्ज विषय किसी कथा कही सी एवं स्थिर विद्युत विषय भी कही स्थिर विद्युत बा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पचार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पुणी कौन अरे इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज रो प्रवाह स्थिर विद्युत पुणी कौन देखो स्थिर विद्युत को तुम समस्ते परीक्षा कर निश्चित भाव में जदि तुम पाखे पेन अच्छी प्लास्टिक पेन कि तुम स्केल अच्छी नहीं कि तुम एमती मुंडे घस किसी समय यही घसिकी से पेन को तुम टुकड़ा टुकड़ा कागज पाक नहीं जाओ तुम्हें देख से पेन टी कागज टुकड़ा गुड़ी को आकर्षण करुच्छी बुझीगला एसबू कहीं हुए ना स्थिर विद्युत कारण धर जाऊ ये हूँ तुम गोटे स्केल एमती अच्छे स्केल एबे स्केल को तुम्हें जदि मुंडे घसब एमती किसी समय तेल ये जगह किसी चार्ज एकत्रित हो जहाँ भी चार्ज पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो चार्ज गुड़ा ये जगह एकत्रित होगा एबे तुम्हें जदि यही अंश को टुकड़ा टुकड़ा कागज पाखक नहीं कि आस आकर्षण रकेल टी टुकड़ा टुकड़ा कागज को टाणी बुझीगला निज आड़ आकर्षित कर स्थिर विद्युत हला चार्ज गुड़िक गोटे जगह एकत्रित होती गति करूना मोशन करूना रेस्ट रे अच्छा चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन ना चार्ज एट रेस्ट ए विषय तुम्हें अधिक पढ़व क्लास 12 रे हला द्वादश श्रेणी में तुमको अधिक पढ़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विषय कुलम्स लॉ विषय तुम्हें पढ़व चलो वर्तमान आम आउ जे वैज्ञानिकों विषय पढ़वा बहुत बड़ वैज्ञानिक से होती थोमास आल्वा एडिसन यहाँ नाम तुम्हें शुणी थोमास आल्वा एडिसन थोमास आल्वा एडिसन
ये किए थे ये मध्य बहुत बड़ वैज्ञानिक थे ये आसते पखापाखी 1870 मसीहा बेलू आमें जाच थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब उद्भावन करते आए कम करते डीसी उपरे डीसी माने डायरेक्ट करंट उपरे आउसे विद्युत डिस्ट्रीब्यूट करते विद्युत बटन करते प्रथम आंकर ही 49 जन कस्टमर आसते कहुए सड़क विद्युत स्रोत सड़क विद्युत स्रोत सड़क विद्युत स्रोत उपरे काम करते थॉमस अल्वा एडिसन 1870 मसीहा बेलू डीसी उपरे काम करते आ विद्युत बंटन से करते इलेक्ट्रिसिटी को से बिक्री करते प्रथम 49 जन कस्टमर यांकर पाखरे ही थिले तापर यांकर ही जने स्टूडेंट थिले ये भी बहुत बड़ साइंटिस्ट यांकर नाम भी तुम्हें बहुत थर शुणी थिबो निकोलास टेस्ला टेस्ला को ना सुनिछो तो निकोलास टेस्ला को विषय तुम्हें पढ़ब यार नेक्स्ट टॉपिक रे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ला बेले माने विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव पढ़ला बेले निकोलास टेस्ला ये एसी उपरे काम करते माने अल्टरनेटिव करंट उपरे काम करते प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत उपरे काम करते प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत तापर आम कौन देखिलु ना डीसी ठारु एसी रो बहुत उपयोगिता अछि हला अल्टरनेटिंग करंट रे कौन होउछि ना बहुत विद्युत शक्ति कम वेस्ट होउछि कम नष्ट होउछि सेतिपई सबुठारु अधिक उपयोगी होउछि प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत डायरेक्ट करंट ठारु अधिक उपयोगी अल्टरनेटिंग करंट हला एमानक विषय रे आमे नेक्स्ट टॉपिक रे आलोचना करिबा तो ए तीन जण वैज्ञानिकों को विषय रे आमे जानिलु जो माने कि विद्युत विषय रे किछि एक्सपेरिमेंट करथिले या पूर्वर आउपर मध्य विद्युत विषय में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किंतु आम नजर को ये तीन जन एक्सपेरिमेंट आसला से आम बुझीनेलु चलो ठीक अच्छे लिभेद बर्तमान आग को जीवा बर्तमान आम टॉपिक है विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट हेडिंग दबा विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ तो विद्युत परिपथ क्या कहुए अविच्छिन्न व मुदित विद्युत प्रवाह करुवा पथ को विद्युत परिपथ बा इलेक्ट्रिक सर्किट बोली कहा जाए लेख अविच्छिन्न एवं मुदित विद्युत प्रवाह करुवा पथ को विद्युत परिपथ कहा जाए विद्युत परिपथ कहा जाए अविच्छिन्न होता दरकार एवं मुदित होता दरकार इलेक्ट्रिक सर्किट रो चित्र मुझे टिके कर दूची देख इस जगह हमरो बल्ब लगी एमती हमें बैटरी लगे बा आउ एठी की लागिबो बा स्विच लागिबो आउ स्विच मुदित होबा दरकार माने ऑन होबा दरकार ऑफ हे गले बिछिन्न हे जीवो बुझियाला एठी कोन हेछि अबिछिन्न को जगह रे कटी भी नाही बुझियाला पूरा फुल सर्किट अछि हमरो आ मुदित हे जेछि एठी स्विच हमरो ऑन अछि एठी हमरो बैटरी लागिछि जदि आमे चाहिबा ए जगह रे गोटे एमिटर मध्य लगे दे परिबा एमती एमिटर बैटरी रे जो आड़े तुम पॉजिटिव चिन्ह अच्छी से ही जगह तुम एमिटर रो मध्य पॉजिटिव चिन्ह लगे आउ बैटरी रो जो आड़े नेगेटिव चिन्ह अच्छी एमिटर रो से ही दिगरे ही तुम नेगेटिव चिन्ह लगे एमिटर होची एमिति गोटे डिवाइस जे कि विद्युत स्रोत को मापी थाए बुझीला या विषय आम देखा विद्युत स्रोत विषय आग को आहरी कथा आम आलोचना करवा तो विद्युत परिपथ तुम बुझीपार अविच्छिन्न एवं मुदित विद्युत प्रवाह करुवा पथ को विद्युत परिपथ बोली कहा जाए यही जगह कौन हम ना इलेक्ट्रिक करंट बा विद्युत स्रोत पूरा प्रवाहित तो हो पार सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए कौ जगह छिड़ी ना जदि आम यगर काटिदे आउ विद्युत प्रवाह हो पारना जहाँफल कि बल्बटी ये जल्द ना बल्ब को जल्दी आमको परिपथ को मुदित करने आवश्यक आउ अविच्छिन्न करवा आवश्यक जहाँफल कि बल्ब जल्द बुझीला चलो वर्तमान आम मेन टॉपिक को जीवा विद्युत स्रोत लिभेदेवी विद्युत परिपथ विषय तुम्हें जा सारे कह रि असुविधा नहीं
विद्युत स्रोत बा इलेक्ट्रिक करेन्ट हेडिंग लगाओ विद्युत स्रोत विद्युत स्रोत इंग्लिश पिला माने कहंती इलेक्ट्रिक करेन्ट तो विद्युत स्रोत को आम आई अक्षर द्वारा सूचित करू कैपिटल आई बुझीला विद्युत स्रोत कौन है चार्ज रो प्रवाह रो हार को विद्युत स्रोत बोली कहा जाए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेन्ट बुझीला बा एकक समय व्यवधान रे प्रवाहित होउथिबा चार्ज को विद्युत स्रोत बोली कहा जाए लेख एकक समय व्यवधान रे प्रवाहित विद्युत चार्ज को विद्युत स्रोत बोली कहा जाए बुझीला बा आम कहीपर चार्ज प्रवाहर हार को विद्युत स्रोत बोली कहा जाए चार्ज प्रवाहर हार को विद्युत स्रोत कहा जाए विद्युत स्रोत को आई अक्षर द्वारा सूचित करा जाए आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी एठारे आई है विद्युत स्रोत क्यू है चार्ज आउ टी है समय जनरली समय को आम सेकेंड रे मापिबा तो कौन कहा गला एकक समय व्यवधान में प्रवाहित तो, विद्युत चार्ज को कौन कहा जाए विद्युत स्रोत बुझीला एकक समय प्रवाहित तो विद्युत चार्ज को विद्युत स्रोत बोली कहा जाए यही कथा को आम लिखिपर जे विद्युत स्रोत समान चार्ज डिवाइडेड बाय एकक समय बुझीला वर्तमान आम विद्युत स्रोतर एस आई एकक बाहर करवा जमती आई इज इक्वाल टू क्यू बाई टी क्यू को आम कमी मापिबा माने विद्युत चार्ज को आम कमी मापिबा बिल्कुल ठीक कुलम बुझीला कुलम एकक मापिबा से भाया समय को आम कमी मापिबा सेकेंड रे मापिबा तो कुलम बाय सेकेंड तो कुलम बाय सेकेंड हो एम्पियर कौन हो एम्पियर एम्पियर आम कहीपर वन कुलम बाय वन सेकेंड इज इक्वल टू वन एम्पियर एम्पियर को आम ए अक्षर द्वारा सूचित करवा तो आम लिखा जे विद्युत स्रोतर एस आई एकक हूँ एम्पियर लेख ये जे विद्युत स्रोतर एस आई एकक एम्पियर एम्पियर को आम ए अक्षर द्वारा सूचित करवा है एम्पियर बुझीला एम्पियर बहुत बड़ एकक हो जाए बेले बेले आम छोट छोट एकक भी व्यवहार करमती देख किलोग्राम बहुत बड़ एकक हो जाए बेले बेले आम ग्राम एकक भी व्यवहार करूँ ना आलु मापियापी तुम्हें जदि कह 500 ग्राम आलु दरकार मत बुझीला तो ग्राम एकक आम वस्तुत्व को मापिपर से आम एम्पियर एकक छोट छोट एकक व्यवहार करमती मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10^-3 एम्पियर एवं 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10^-6 एम्पियर बुझीला मिली माने हेउची 10^-3 आ माइक्रो माने हेउची 10^-6 बुझीला कहार किछ असुविधा नहीं एठारे एबे देख विद्युत स्रोत को आम मापिबा केमती विद्युत स्रोत को मापिया पई गोटे जंत्र व्यवहार करा जाए जहाँ को आम कहू एमिटर कौन कहू एमिटर लेखिबा विद्युत स्रोत को मापिया पई व्यवहार करा जाउतिबा जंत्र को एमिटर बोली कहा जाए लेख एठी जे विद्युत स्रोत को जेऊ उपकरण द्वारा मापी हुए ताहाकु एमिटर बोली कहा जाए जेऊ उपकरण द्वारा मापी हुए ताहाकु एमिटर बोली कहा जाए एमिटर कहा जाए बुझेला
तो एमिटर को परिपथरे पंक्ति रे संयोग करा जाए बा धाड़ी रे संयोग करा जाए सीधा सीधा संयोग करा जाए लिखिबा जे विद्युत परिपथरे एमिटर को पंक्ति रे संयोग करा जाए बा धाड़ी रे संयोग करा जाए केमिति ना मु तुमको चित्र रे मध्य देखै दैतिले एमिटर केमिति संयोग करा जाए पूरा धाड़ी रे ए भलिया एठी हम एमिटर लगे दी परिबा एठी हमर बल्ब रहिला वर्तमान एठी हम बैटरी लगेबा स्विच लागिला येला हमर स्विच येला बैटरी बहुत गुड़ा सेल रो संयोग को आमे कहिबा बैटरी येला हमर बल्ब बुझीला बल्ब टी एबे जळिबो कहीं ना परिपथ टी मुदित अछि बुझीला बा अविच्छिन्न अछि तो एठी देखो एमिटर लागिछि केमति लागिछि ना धाड़ी रे लागिछि बा पंक्ति रे लागिछि बुझीला एमिटर को आमे केमति संयोग करिबा बुझीला तो कारि किछि असुविधा नै देखो आमर पूर्वपुरुष मानकर धारणा थिला पूर्वपुरुष माने मो पूर्वपुरुष नुहे आम समस्तकर पूर्वपुरुष माने पूर्वरु जे सब लोक माने रहुतिले से मानकर धारणा थिला जे युक्तात्मक चार्ज बा पॉजिटिव चार्ज रो प्रभाव हेउछि विद्युत स्रोत कोन ना पॉजिटिव चार्ज रो फ्लो बा युक्तात्मक चार्ज रो प्रभाव किंतु एक कथा भूल प्रमाणित हे सरछि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुएनी नेगेटिव चार्ज फ्लो हुए माने विद्युतात्मक चार्ज फ्लो हुए से माने कहुतिले जेहेतु पॉजिटिव चार्ज फ्लो हेउची ताले पॉजिटिव चार्ज रो फ्लो रो डायरेक्शन हेउची विद्युत स्रोतर दिग बुझियाला पॉजिटिव चार्ज जेउ दिगरे प्रवाहित हेउची सेई दिगरे विद्युत स्रोत प्रवाहित हेबो किंतु एक कथा तो भूल बोली प्रमाणित हेगला धरा जाउ ये हेउची हमरो गोटिए परिवाही तार एमती अछि परिवाही तार एई परिवाही तार मध्यरे इलेक्ट्रॉन रो प्रवाह हेले विद्युत स्रोत तयारी हेबो युक्तात्मक चार्ज तो प्रवाहित हेई परिबनी प्रोटॉन केमति प्रवाहित हेबो से तो न्यूक्लियस भितरे बसछि बुझियाला इलेक्ट्रॉन गुडीकर प्रवाह हेबो तो इलेक्ट्रॉन गोटे दिगरु आउ गोटे दिग को जदि प्रवाहित होब ताहाले ही विद्युत स्रोत तयारी हुए सेति पई जते बेले एक कथा प्रमाणित हे गला जे विद्युतात्मक चार्ज गुडीकर प्रवाह को विद्युत स्रोत बोली कुहा जाए सेते बेले आमे कोन कहिलु ना विद्युत स्रोतर दिग होब चार्ज प्रवाहर विपरीत दिग माने धरा जाउ इलेक्ट्रॉन एई पटरु बाहर कि जाउची माने नेगेटिव टर्मिनल लु बाहर कि जाउची पॉजिटिव टर्मिनल आडू को चार्ज प्रवाहर दिग एपाखे अच्छी विद्युत स्रोतर दिग तार उल्टा हम माने एपटे हम एमती जा विद्युत स्रोत बुझीला चार्ज प्रवाहर विपरीत दिगरे विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए बोली धारणा निगला यह कहुए कन्भेन्शनाल करेन्ट बा पारंपरिक विद्युत स्रोत बुझीला कार किसी असुविधा ना बर्तमान आम दीटा फर्मूला शिखिलु क्यू इज इक्वाल टू एन ई एवं आई इज इक्वाल टू क्यू बाई टी ए दीटा फर्मूला को लेकिन आम कि गणित प्राक्टिस करवा कि मैथमेटिक्स कि प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर करवा देख उदाहरण 8.1 नो प्रश्न अच्छी जे 5 सेकेंड रे 2 कूलम चार्ज प्रवाहित हेले विद्युत स्रोतर परिमाण केते एठारे हमको समय दिया जाइछि 5 सेकेंड तो टी इज इक्वाल टू 5 सेकेंड दिया जाइछि 2 कूलम चार्ज प्रवाहित हेइछि त माने क्यू इज इक्वाल टू 2 कूलम दिया जाइछि कुआ जाइछि विद्युत स्रोतर परिमाण केते माने आई मागिछि आई माने विद्युत स्रोतर परिमाण केमति बाहरिबो ना आई इज इक्वाल टू क्यू बाई टी लेखिबा आई इज इक्वाल टू क्यू बाई टी क्यू जगह लेख 2 कूलम आउ टी जगह लेख 5 सेकेंड कूलम बाय सेकेंड हिजबो एम्पियर तो 2/5 एम्पियर 2/5 केते हिजबो उभय लब आउ हर रे 2 गुणन कर दियो 2 गुणन 2 डिवाइडेड बाय 5 गुणन 2 एम्पियर 2 दुने 4/5 दुने 10 एम्पियर तो ये हिजब 0.4 एम्पियर बुझीला केते एम्पियर विद्युत स्रोत प्रवाहित हेब 0.4 एम्पियर विद्युत स्रोत प्रवाहित हेब एबे देख नेक्स्ट प्रश्न उदाहरण 8.2 प्रश्न अछि खंडीय तार रे 0.5 एम्पियर विद्युत स्रोत एक घंटा पई प्रवाहित हेले मोट प्रवाहित चार्ज रो परिमाण केते माने एटी क्यू मागिछि चार्ज रो परिमाण मागिछि क्यू रो परिमाण केते हेब आई हमको दिया जाइछि केते एम्पियर आई माने विद्युत स्रोत दिया जाइछि 0.5 एम्पियर आउ कौन दिया जाइछि समय दिया जाइछि एक घंटा टी इज इक्वल टू केते एक घंटा जे केते सेकेंड बिल्कुल ठीक 3600 सेकेंड 60 गुणन 60 कर दियो तुमको मिलिबो 3600 सेकेंड बुझियाला एबे आमे क्यू रो परिमाण बाहर करिबा क्यू केमति बाहरिबो हमर सूत्र हेउछि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी
आई जगह लिख 0.5 एम्पियर, क्यू जगह आम क्यू ही लिखिपर क्यूरो मान आमको जनाना डिवाइडेड बाय टी जगह लिख 3600 सेकेंड। बर्तमान ये 3600 सेकेंड आर पाक गले कौन हो गुणन हो तो आम पाइबा क्यू इज इक्वाल टू 0.5 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड केते आसिबो एठी हे गला 5 5 360 गुण दियो सेतिकी कुलम चार्ज बाहर 360 × 5 0 56 30 शून बसी 3 5 3 15 16 17 18 1800 कुलम चार्ज केते कुलम चार्ज 1800 कुलम चार्ज प्रवाहित होई बुझेला कार किसी डाउट नहीं। वर्तमान आम आउ गोटे प्रश्नर समाधान करवा जे एक कुलम चार्ज रे केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए एबे आम पई प्रश्न होउची जे एक कुलम चार्ज रे केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए बा एक कुलम चार्ज रे थिबा इलेक्ट्रॉन संख्या निर्णय कर। प्रश्न होउची एक कुलम चार्ज रे थिबा इलेक्ट्रॉन संख्या निर्णय कर तो एठारे आमको चार्ज रो परिमाण दिया जाइछि क्यू इज इक्वल टू 1 कुलम बुझेला आमे एथरे थिबा इलेक्ट्रॉन संख्या बाहर करिबा फॉर्मूला अनुजाई क्यू इज इक्वल टू एन ई तो ए जगह रे आमको एन रो मान बाहर करिया पई पड़िबो केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि बुझेला क्यू जगह रे लेखो 1 इज इक्वल टू एन इनटू ई जगह रे कोन लेखिबा गोटे इलेक्ट्रॉन ने केते चार्ज थाए बिल्कुल ठीक 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम बुझेला। वर्तमान बोथ साइड रो आमे कुलम को कैंसिल कर दे परिबा तो लेखो 1 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ ए पाखरे 1.6 × 10⁻¹⁹ गुणन हो कि अच्छी बाम पाक को आसिले हरण हो तो आम पाइबा एन इज इक्वल टू 1 ÷ 1.6 × 10⁻¹⁹ तो देख 10⁻¹⁹ टा ऊपर को उठीगले 10⁻⁹ हो तो आम कौन लिखिपर ना एन इज इक्वल टू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6। वर्तमान आम लिखा एन इज इक्वल टू 10⁻⁹ × 10 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10 एमती लिखिपर कि लिखिपरानी उभय लब आउ हर आम 10 को गुणन करवा तो ऊपर होमर एन इज इक्वाल टू 10⁻⁰⁰ डिवाइडेड बाय एठी हो 1.6 × 10 हो 16 बुझेगा। बर्तमान 10⁻⁰⁰ को लिखा एन इज इक्वाल टू 10⁻⁸⁸ × 10⁻² लिखिहब कि लिखिहबनी 10⁻⁸ × 10⁻² केते हो 10⁻⁰⁰ हो घातांक गुड़ा जोग हो बुझेगा ना 10⁻² माने के 100 बुझेगा डिवाइडेड बाय तले अच्छी 16 ए 10⁻² जगह लिखिदि 100 वर्तमान 100 × 16 के देख काटा 4 × 4 = 16 चार काटिले 25 × 4 केते हबो 25 हरण कर दियो 4 × 4 = 20 4 × 6 = 24 1 पॉइंट बसी 10 4 × 2 = 8 10 × 8 गले 2 20 4 × 5 = 20 माने 6.25 आसो केते आसो 6.25 बुझीगला तो आम लिखा 25 × 4 × 10⁻⁸ माने एन इज इक्वाल टू 25 × 4 जगह लिख 6.25 6.25 × 10⁻⁸ एबे कह जे एक कुलम चार्ज रे थिबा इलेक्ट्रॉन नो संख्या केते एन इज इक्वाल टू 6.25 × 10⁻⁸ जदि पॉसिबल हबो ए संख्याटी को मने रख 6.25 × 10⁻⁸ टी इलेक्ट्रॉन अछि एक कुलम चार्ज रे शॉर्ट क्वेश्चन आस जाई पारे बुझियाला शॉर्ट क्वेश्चन पई तमे मने रख एन इज इक्वाल टू 6.25 × 10⁻⁸ माने एक कुलम चार्ज रे थिबा इलेक्ट्रॉन संख्या बुझियाला तो आज क्लास को आम यही रखा। धन्यवाद।